हेडिंग डालिए कोडिंग तथा नॉन कोडिंग डीएनए, कोडिंग तथा नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग तथा नॉन कोडिंग डीएनए नॉन कोडिंग डीएनए इसमें लिखिए कोडिंग तथा नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए वास्तव में क्रियाशील डीएनए होते हैं, जो सिस्ट्रोन का प्रदर्शन करते हैं, सिस्ट्रोन क्या होता है? डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट, क्रियात्मक यूनिट कौन सी है? सिस्ट्रोन। फंक्शनल यूनिट भी कौन सी होती है? सिस्ट्रोन होती है, ठीक है। सिस्ट्रोन को प्रदर्शित करते हैं तथा अक्रियाशील डीएनए अनुक्रम के बीच में पाए जाते हैं, अगले से लिखिए नॉन कोडिंग डीएनए वास्तव में आनुवंशिक रूप से अक्रियाशील डीएनए होते हैं, जो आरएनए अनुलेखन में भाग नहीं लेते, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश डीएनए नॉन कोडिंग प्रकार का ही होता है, अगला प्रकार लिखिए पुनरावर्तीय डीएनए खंड, इसमें लिखिए सेंट्रोमियर के नजदीक उपस्थित गुणसूत्र बिंदु के पास पाए जाने वाले ऐसे डीएनए खंड जिसमें नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम की
अनुक्रम की कई बार पुनरावृत्ति होती है, कई बार पुनरावृत्ति होती है। तो डीएनए के वो खंड जहां नाइट्रोजन क्षारक लगातार रिपीट होएंगे, ठीक है, ए ए टी आ गया, फिर ए टी आ गया, फिर ए टी आ गया, मतलब कई बार वो अपनी क्या करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराव करते हैं। और ध्यान रखना ये पुनरावृत्ति डीएनए खंड किसी एक निश्चित स्थल पर सामान्यतः नहीं पाए जाते, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस पार्ट के अंदर इसमें जंपिंग जीन के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। देखिए कुछ पुनरावृत्तीय खंड, कुछ पुनरावर्तीय खंड एक ही जाति के जीवों में, कुछ पुनरावर्तीय खंड एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति के जीवों में एक निश्चित स्थान पर नहीं पाए जाते, एक निश्चित स्थान पर नहीं पाए जाते, इन्हें जंपिंग जीन कहते हैं। इन्हें जंपिंग जीन कहते हैं। किसमें पाया जाता है? मक्का के जंपिंग जीन कहते हैं। अगला प्रकार देखिए सी डीएनए, या इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आरएनए रज्जु पर, आरएनए रज्जु पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए रज्जु पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा निर्मित, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा निर्मित डीएनए की प्रति, डीएनए की प्रति पूरक डीएनए या सी डीएनए कहलाती है, पूरक डीएनए या सी डीएनए कहलाती है। क्या कहते हैं इस घटना को, आरएनए से डीएनए का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या क्या कहते हैं, टेमेनिज्म। क्यों? क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, बाल्टीमोर और टेमिन ने की थी, इन वैज्ञानिकों ने खोज की थी। इस कारण आरएनए से डीएनए बनने की घटना टेमेनिज्म कहलाती है। अगला प्रकार लिखिए पेलिंड्रोमिक डीएनए, पेलिंड्रोमिक डीएनए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेलिंड्रोमिक डीएनए। इसमें लिखिए डीएनए वल्य के, डीएनए वल्य के न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला में, डीएनए वल्य के न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, विन्यासित होते हैं। यदि यह विन्यास, यदि यह विन्यास दो स्ट्रैंड पर, दो स्ट्रैंड पर एक दूसरे के विपरीत स्थित होता है, एक दूसरे के विपरीत स्थित होता है, तो दोनों सिरों से, तो दोनों सिरों से पढ़ने पर, दोनों सिरों से पढ़ने पर
न्यूक्लियोटाइड क्षारक एक समान अनुक्रम में प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्षारक एक समान अनुक्रम में प्राप्त होते हैं। एक समान अनुक्रम में प्राप्त होते हैं। ऐसे न्यूक्लियोटाइड युक्त डीएनए, ऐसे न्यूक्लियोटाइड युक्त डीएनए ऐसे न्यूक्लियोटाइड युक्त डीएनए पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाती। कहानी को समझिए कि कोई एक रज्जु है 3' से 5' की तरफ, इसका पूर्व रज्जु क्या होगा 5' से 3' की तरफ होगा। अपने पढ़ रहे हैं 3' से 5' की दिशा में। सबसे पहले क्या आ रहा है टीटी, फिर ए सी जी टीटी ए, ये क्रम आ रहा है ना। अपने अगर इसी 3' से 5' दिशा में नीचे वाले रज्जु को भी पढ़े तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे टीटी ए सी जी फिर टीटी और फिर ए। ऊपर वाले के समान अनुक्रम प्राप्त हो रहा है ना। इन दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष क्या कह देंगे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कह देंगे। और ऐसा डीएनए जहाँ पर ये प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देंगे पैलिंड्रोमिक डीएनए के नाम से जानते हैं। एग्जांपल ये आपके मलयालम कनक कराट ये सारे हो जाएंगे ठीक है। पैलिंड्रोमिक डीएनए दोनों इकाइयाँ बना लीजिए। ध्यान ये रखना है आपको दो इकाइयाँ देगा वो कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। निम्न में से पैलिंड्रोमिक डीएनए या पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड का एग्जाम्पल है। आप सिंपल सा ये करके देखना कि 3' से 5' इसको पढ़ना, दूसरे वाले को उल्टा पढ़ के देखना। दिशा सेम रहती है क्योंकि ये रज्जु के एक दूसरे के क्या है प्रति समांतर है तो दिशा तो सेम रहेगी। ये 3' से 5' है, इसमें भी उल्टा पढ़ेगी तो 3' से 5' ही आएगा ठीक है। एक दूसरे के पूर्व है दोनों रज्जु, लेकिन दिशा पढ़ने की एक समान रहती है। तो ये आपका पैलिंड्रोमिक डीएनए हो गया ठीक है। अगला प्रकार लिखिए सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए ये इसे बोलते हैं सैट डीएनए। सैट डीएनए देखिए ये पुनरावर्ती डीएनए होते हैं। ये पुनरावर्ती डीएनए होते हैं। ये पुनरावर्ती डीएनए होते हैं जिनमें क्षार युग्म एक से 60 बेस पेयर तक हो सकते हैं। क्षार युग्म एक से 60 बेस पेयर तक हो सकते हैं। एक से 60 बेस पेयर तक हो सकते हैं। मतलब बेस पेयर क्या है क्षार युग्म है। ये एक क्षार युग्म हो गया और ये दूसरा हो गया। इस प्रकार की संख्या एक से 60 तक हो सकती है ठीक है। तो क्षारकों की संख्या कितनी हो जाएगी क्षार युग्म का डबल होता है। एक क्षार युग्म में दो क्षारक जन्म रहते ना तो क्षारकों की संख्या 120 तक हो जाएगी हो सकती है। इसका उपयोग डीएनए मैचिंग तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया जाता है। तो ये हो गए डीएनए के प्रमुख प्रकार ए बी सी डी जेड कोडिंग नॉन कोडिंग पैलिंड्रोमिक और सेट डीएनए ठीक है। फिर आपका डीएनए कुंडली का पैकेजिंग किसे कहते हैं भाई पैकेजिंग किसे कहते हैं। डीएनए कुंडली का पैकेजिंग
ट्रिकेज किसे कहते हैं, मतलब इनका संगठन क्या रहता है, एक डीएनए किस प्रकार से स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, तो ध्यान देना। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, मतलब विकसित होती है, तो ऐसे में जो क्रोमेटिन जालिका होगी वो बिखरी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ डीएनए सुव्यवस्थित नहीं होता और इस संरचना को क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, केंद्रकाब के नाम से इसे हमें जानते हैं, ठीक है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, अपने को पता है कि स्टोन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, स्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3 और H4, इनमें से ये चार स्टोन प्रोटीन प्रत्येक के दो अणु मिलकर क्या बना लेंगे, स्टोन ऑक्टेन का निर्माण कर लेते हैं, स्टोन अष्टक का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक लिंकर स्टोन होती है, लिंकर स्टोन। अब ये स्टोन अष्टक बन गया ना, स्टोन ऑक्टेन बन गया। अब इस स्टोन ऑक्टेन के चारों तरफ क्या आ गया, डीएनए का एक कुंडल आ गया, ठीक है। और इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। एक स्टोन अष्टक तथा डीएनए कुंडल परस्पर मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, ये स्टोन अष्टक आ गया और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट, इसे हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोसोम कह देंगे। और ऐसे छह न्यूक्लियोसोम, कितने, छह, आपस में मिलकर जो संरचना बनाते हैं वो कौन सी है, सोलेनोइड है। कौन सी संरचना, सोलेनोइड। और कई सारे सोलेनोइड संरचनाएं आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना देंगे और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देंगे, डीएनए बना देंगे। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर डीएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस प्रकार डीएनए स्टोन अष्टक के साथ मिलकर क्रोमोसोम निर्माण में भाग लेता है। तो ये इसकी सामान्य व्यवस्था होती है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, ठीक है। तो पैकेजिंग में लिखिए प्रोकैरियोट्स में, पहले लिखिए प्रोकैरियोट्स में कौन सा आवेश होता है, डीएनए पर ऋणावेश होता है या धनावेश होता है, ऋणावेश। प्रोकैरियोट्स में लिखिए ऋण आवेशित डीएनए, ऋण आवेशित डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, ये जीवाणुओं के अंदर क्या होता है, गोलाकार होता है, गोलाकार। ऋण आवेशित डीएनए के चारों तरफ, प्रोकैरियोट्स में ऋणावेशित डीएनए के चारों तरफ धनावेशित नॉन स्टोन प्रोटीन जुड़कर धनावेशित नॉन स्टोन प्रोटीन जुड़कर न्यूक्लियोइड या केंद्रकाब का निर्माण करती है, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाब का निर्माण करती है, न्यूक्लियोइड या केंद्रकाब का निर्माण करती है। तो न्यूक्लियोइड क्या है, प्रोकैरियोटिक का आनुवंशिक पदार्थ क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है, ठीक है। अगले से लिखिए यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में 10 लगा के लिखिए डीएनए अणु की पूरी लंबाई में स्थित पूरी लंबाई में स्थित ऋणावेशित स्थानों पर, ऋणावेशित स्थानों पर, ऋणावेशित स्थानों पर धनावेशित स्टोन जुड़कर, धन आवेशित स्टोन जुड़कर, धनावेशित स्टोन जुड़कर क्रोमेटीन बनाती है, क्रोमेटीन बनाती है, स्टोन जुड़कर क्रोमेटीन बनाती है। अब ध्यान रखना स्टोन का निर्माण है ना एस प्रावस्था में होता है, ठीक है।
जीवन एस और जी टू होती है ना, इसमें से एस प्रावस्था के दौरान स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, अगला इंस लिखिए, स्टोन अष्टक तथा, अब स्टोन अष्टक में क्या है भाई, एच टू ए, एच टू बी, एच थ्री, एच फोर, प्रत्येक के कितने अणु हैं, दो अणु। स्टोन अष्टक तथा डीएनए परस्पर मिलकर, परस्पर मिलकर न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। कहानी को समझ रही हो, यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन जालिका है, और प्रोकैरियोट के अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड है, समझना आप, वहाँ न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता, वहाँ न्यूक्लियस के अंदर है जो जेनेटिक मटेरियल बिखरा हुआ पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। डिफरेंस कहाँ है, क्रोमेटिन जालिका के अंदर और न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है, उसमें नॉन स्टोन प्रोटीन होती है और इसमें स्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, अगले अंश लिखिए, क्रोमेटिन में पांच प्रकार की स्टोन, क्रोमेटिन में पांच प्रकार की स्टोन, बहुत जबरदस्त घुमाने वाला क्वेश्चन है भाई, कैसे, अब क्वेश्चन सुनिए, क्रोमेटिन में पाए जाते हैं स्टोन के कौन से प्रकार, एक ये देगा वो ऑप्शन के अंदर, H2A, H2B, H3 और H4, और एक ऑप्शन क्या देगा वो यहाँ साथ में H1 और देगा। ठीक है, तो क्रोमेटिन के अंदर तो 500 प्रकार की स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जबकि अगर शब्द आ गया ना न्यूक्लियोसोम में, तो ध्यान रखना चार ही प्रकार की होती है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम के अंदर चार ही प्रकार की होती है, इसे हम लिंकर प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना, क्रोमेटिन में पांच प्रकार की स्टोन प्रोटीन, ब्रैकेट में लिख लेना H1 लगा के, फिर H2A, H2B, H3 और H4, पांच प्रकार की स्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B, H3 और H4 होती है, होती है। यहाँ H1 लिंकर की भांति कार्य करती है, यहाँ H1 लिंकर की भांति कार्य करती है। लिंकर की भांति कार्य करती है, इनके कुछ मात्रा में NHC नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, कुछ मात्रा में NHC नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। और लास्ट में आ जाता है DNA का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ DNA, बताइए फटाफट से बता दीजिए क्या इंपॉर्टेंस है, DNA किसमें सहायक होता है, NSC की फुल फॉर्म पूछता है, बताइए DNA का महत्व, बताइए DNA का महत्व बताइए। तो DNA क्या कर सकता है, DNA RNA बना सकता है, पहला महत्व हो गया ना, फिर DNA क्या बना सकता है, DNA प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, किसके मार्फत, RNA के द्वारा, फिर DNA क्या कर सकता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्थानांतरण करता है, आनुवंशिक सूचनाओं का क्या करता है, स्थानांतरण करता है, फिर DNA के द्वारा क्रोमेटिन जालिका बनती है जो कि एक कोशिका पर नियंत्रण नियंत्रक इकाई की भांति कार्य करती है, क्योंकि नियंत्रण किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है, और न्यूक्लियस का मेन पार्ट क्या है, क्रोमेटिन जालिका है, तो ये नियंत्रण कर सकती है। कुछ छोटे उत्परिवर्तन जो होते हैं, धीमे उत्परिवर्तन होते हैं, वो DNA के कारण पैदा होते हैं, जिससे आनुवंशिक विभिन्नताएं, जेनेटिक वेरिएशन उत्पन्न होती है, जो नई जाति की उत्पत्ति के लिए सहायक होती है। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए, आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण में सहायक, आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण में सहायक, आनुवंशिक सूचनाओं के संचरण में सहायक,
पौष्टिक सूचना भेजता है, चेंजेस नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, जो सूचना माता पिता के अंदर है वो स्ट्रिक्टली भेजता है। संचरण में शायद फिर लिखिए आरएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक, आरएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक, आरएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक। फिर लिखिए गुणसूत्र निर्माण की इकाई, गुणसूत्र निर्माण की इकाई यूनिट ऑफ ए क्रोमोसोम सिंथेसिस, गुणसूत्र निर्माण की इकाई पहला लिखिए जनन से संबंधित सूचनाओं का संचरण, जनन से संबंधित सूचनाओं का संचरण। सूचनाओं का संचरण फिर लिखिए डीएनए में उपस्थित धीमे उत्परिवर्तन, तेज हो जाएगा तो काम ही बन जाएगा अपना ना, धीमे उत्परिवर्तन विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं जो जे विकास में सहायक, जो जे विकास में सहायक। फिर लिखिए कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं की संरचना सेल स्ट्रक्चर, कोशिकाओं की संरचना कार्य, कार्य तथा परिवर्धन की सूचना, कार्य तथा परिवर्धन की सूचना को स्थाई रूप से संग्रहित रखना, स्थाई रूप से संग्रहित रखना, तो ये आसानी से परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, तो ये परमानेंटली इन सूचनाओं को इंफॉर्मेशन को रखता है और गेमेट के द्वारा क्या कर देगा, संतति को ट्रांसफर कर देगा। तो ये आपका पहला पार्ट न्यूक्लिक एसिड कौन सा डीएनए कंप्लीट हो गया। अगले सेशन में अपने पढ़ेंगे आरएनए संरचना प्रकार तथा कार्य। आज के लिए इतना ही।